हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जस्ट फॉर क्लासेस में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही ज्यादा दमदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, ठीक है। अक्सर मम्मियां या फिर सभी लोग, जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोगों से आपने ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जरूर सुना है कि जितना हम लोग जूठा खाएंगे उतना ज्यादा प्यार बढ़ेगा। इसीलिए लोग क्या करने लगे कि एक ही चम्मच से खाना स्टार्ट कर दिए, एक आइसक्रीम का कोन लिए तो आधा हम खाएं आधा आप खाएं, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन आज प्रेमियों का दिल तोड़ने वाले हैं, ठीक है। जो जो लोग साथ में मिलकर एक चम्मच से या फिर एक ही आइसक्रीम के कोन से या फिर एक ही थाली में खाना खाते हैं, उनको बता दे प्यार बढ़े ना बढ़े लेकिन सेहत जरूर बिगड़ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, क्या है कि एक दूसरे का जूठा खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और हमें आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम जो आज कराने वाली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। लाइक करो जी, इतना कंजूसी करते हो, मेरे नसीब में कंजूस लिखे थे। लाइक करिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में भर करके लिखना कि आपने किसको किसको अपना जूठा खिलाया है और क्या कभी किसी का जूठा खाया है। हाँ, कमेंट में लिखना है, ठीक है, पता चले कौन कौन बीमारी लेकर घूम रहा है अपने आसपास। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एक दूसरे के प्लेट में यानी जूठा खाना अगर आपको भी नॉर्मल लगता है, लेकिन आपको बता दे कि सेहत के लिहाज से इसके कई नुकसान है। अगर आपको भी लगता है कि एक दूसरे का जूठा खाना नॉर्मल है, मैम भड़का रही है, मैम तो खुद प्यार व्यार से दूर रहती है, हम लोगों को भी प्यार नहीं करने दे रही, हम लोगों को भी प्यार नहीं बढ़ाने दे रही, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना बेटा तो बड़ा गलत सोच रहे हो, ठीक है। हम प्यार के दुश्मन नहीं है, लेकिन आपको बता दे जूठा खाने से भैया प्यार का तो पता नहीं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ बीमारियां जरूर बढ़ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जूठा खाने की वजह से फैल जाते हैं, तो उन्हीं बीमारियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अपने करीबियों के साथ साथ अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए जाने अनजाने आप कई सारे बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। किसी के खाने के बाद बचा हुआ खाना या फिर एक ही प्लेट में शेयर करके खाना सेहत के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, आपके शरीर में अनेक प्रकार की मुसीबतें उत्पन्न कर सकती हैं। सेहत के लिए ठीक नहीं है जूठा खाने की आदत, संक्रमण का खतरा इससे हो सकता है। जब हम किसी का जूठा खाते हैं तो दूसरे व्यक्ति के मुंह में जो मौजूद बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर में घुस जाते हैं, जिससे आप कई तरह के इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं, जैसे फ्लू, फूड पॉइजनिंग, हेपेटाइटिस इत्यादि, ठीक है। कई बार आपने नोटिस किया, आप खुद देखना अगर आप किसी का जूठा खा रहे हो, ठीक है, आपके मुंह में तुरंत छाले हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छाला केवल जूठा खाने से होता है, शरीर में आप लोगों को बचपन से बताया गया कि शरीर में जब हमारी गर्मी हो जाती है, पेट की गर्मी की वजह से मुंह में छाले निकल जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि जब हम किसी व्यक्ति का जूठा खाते हैं जिसका हमने कभी नहीं खाया हो, या फिर किसी ऐसे अनजान व्यक्ति का जूठा जब हम खाते हैं, तो आप नोटिस करना आपके मुंह में तुरंत छाले निनावा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये रीजन है भैया जूठा खाने से, क्योंकि जब हम जूठा खाते हैं तो उसके मुंह के बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे मुंह में आ जाते हैं, जो अनेक प्रकार के संक्रामक रोग फैलाते हैं, जैसे फ्लू, सर्दी, जुकाम, फिर आपका फूड पॉइजनिंग और तीसरा हेपेटाइटिस। आगे बात करेंगे ओरल हेल्थ को खतरा, और साथ ही साथ हमारे ओरल हेल्थ को भी खतरा हो सकता है किसके कारण, जूठा खाने के कारण। दूसरों के इस्तेमाल किए हुए
बर्तनों में मौजूद बैक्टीरिया आपकी ओरल हेल्थ को भी बैंड बजा सकते हैं। ओरल हेल्थ मतलब मुंह का, मुंह में छाला निनावा। अगर एक व्यक्ति इसे ब्रश से, कई बार होता है ना हम किसी रिश्तेदार में गए, ब्रश लेकर जाते नहीं, फिर क्या होता है, अब हमको ब्रश करना है तो मौसी चाची बुआ जिसके घर भी गए हो वो कहते हैं अरे मेरे ब्रश से कर लो आज भर, ठीक है। हम लोग तुरंत क्या करते, कोलगेट लगाकर उनके ब्रश से कर लेते। लेकिन आपको बता दे यहीं पर आपने गलती कर दिया, किसी दूसरे का टूथ ब्रश, किसी दूसरे का कोई भी मुंह में इस्तेमाल करने वाले, जैसे लिपस्टिक हो गया, बहुत सारी लड़कियां होती है ना लालची, ठीक है, लालची लड़कियां जितनी होती हैं अपने घर में जितना भरा हो लेकिन दूसरों पे नजर रहता है, ठीक है। आप गए देख रहे लिपस्टिक, आए हाय लक्ष्मी का लिपस्टिक, बस चाप दिए, पोत लिए लिपस्टिक। और आपको बता दें अगर एक कोई महिला अपने होंठ पर उस लिपस्टिक को इस्तेमाल की है और उसी सेम लिपस्टिक को कोई दूसरा इस्तेमाल करता है तो इसके वजह से भी इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। इसके कारण भी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इससे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, मसूड़ों से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि डॉक्टर ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग भी हमेशा ऐसे करने से मना करते हैं कि दूसरों का टूथब्रश, दूसरों के मुंह में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों का कभी भी आप इस्तेमाल ना करिए, ठीक है। तीसरा, एलर्जी की समस्या, ठीक है। जो लोग जूठा खाते हैं, एक दूसरे का सामान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एलर्जी भी हो सकता है। अगर आपको किसी फूड आइटम से एलर्जी है और किसी दूसरे शख्स ने उसे खाया है तो उसके बाद उस बर्तन का यूज करने से आपको भी एलर्जी हो सकता है। इसलिए अगर आपको भी अपने भाई बहन, पार्टनर या दोस्तों का जूठा खाने की आदत है तो इसे तुरंत बदल ले। मान लो आपको किसी चीज से इन्फेक्शन है, आपको किसी चीज से एलर्जी है, आप उस चीज को नहीं खाते लेकिन आपका दोस्त खाता है। जैसे हम लोग है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी देखो कोई भी इस पर कोई भी हमें कमेंट नहीं करेगा, आप लोगों को पता है नेगेटिव कमेंट स्टार्ट कर देते हो। एक एग्जांपल दे रहे समझने के लिए, जैसे क्या होता है हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या है ना, मुर्गा मछली ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं, अंडा तक नहीं खाते, छूते तक नहीं है, और फिर जिसके घर में बनता है उसके घर का पानी, मतलब ऐसा है। आप लोग कहोगे कि मैम ये बहुत पुराना सोच है, बट अभी भी इसको लेकर के चला जाता है, ठीक है। हम लोग मुर्गा मछली ये सब नहीं खाते और जिसके घर में बनता है उसके घर का हम लोग पानी भी नहीं पीते, ऐसा बचपन से सिखाया गया है तो हम लोग कर रहे। अब ऐसा क्यों है, तो सेम यही रीजन है कि अगर हम लोग मुर्गा वगैरह कभी खाए नहीं और जिंदगी में अगर कभी खा लेना तो हम लोग का तुरंत तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है, पेट में गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, उल्टी ऐसा लगना, क्योंकि हम लोग कभी जिंदगी में खाए नहीं और अचानक से मान लो कभी हमको पता चला कि उस थाली में खाया गया था, उस थाली में हम खा लिए तो अपने आप क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हमको होने लगेंगी, सोच सोच कर हम बीमारी उत्पन्न कर लेंगे। तो सेम वही चीज यहां लिखा है कि अगर आप कोई चीज नहीं खाते और आपका दोस्त या पार्टनर खाता है और आप उसी थाली में उसको खा लोगे तो आपको भी एलर्जी हो सकता है, ठीक है। आपको तुरंत एलर्जी पकड़ लेगा, फिर आप सोचोगे अरे हम तो खाते नहीं है, फिर हमको कैसे हुआ, आप नहीं खाए लेकिन आपका दोस्त खाया और आपके दोस्त ने जिस थाली में खाया उस थाली में आपने खा लिया तो हो गया एलर्जी। इसलिए सावधान रहे, ठीक है, इसलिए सावधान रहे। गट हेल्थ को नुकसान, गट हेल्थ का मतलब पेट, पेट भी खराब हो सकता है। जूठा खाना पाचन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है या आपको अपच, दस्त, उल्टी जैसी समस्याओं का शिकार बना सकता है। ऐसे में इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमेशा ताजा खाना ही खाना चाहिए। जो लोग क्या कर रहे हैं, जूठा बासी खाना ये खा रहे, उनके में भी आपको देखोगे तो पेट का खराबी, ठीक है। आप ज्यादातर देखोगे अगर बासी खाना खाते हो तो पेट में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ जाता है। तो उसका मेन रीजन ये है कि जूठा खाना कहीं ना कहीं आपके पाचन तंत्र को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, अपच हो जाता है, उल्टी जैसा लगने लगता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा ताजा खाना खाएं और अपना खाना खाएं, अपने थाली में खाएं, किसी दूसरे का जूठा ना खाएं। लास्ट है, अच्छी सेहत के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। अब आपको अच्छी सेहत के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है आगे हम लोग ये जानने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हमेशा साफ सुथरे बर्तनों का इस्तेमाल करें। अगर आप भी चाहते हो कि आपका सेहत हमेशा अच्छा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा साफ सुथरे बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन को कभी भी खुला ना छोड़े, हमेशा ढककर रखें।
खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोए। चौथा, किसी भी व्यक्ति का जूठा खाने से बचे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है अगर आप अच्छा सेहत चाहते हो तो, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो इन सभी चीजों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया जूठा खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, प्यार बढ़े ना बढ़े लेकिन ये सारे रोग जरूर आपके शरीर में बढ़ सकते हैं, और हमने आपको इस वीडियो में ये भी बताया कि आप किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। हमेशा साफ सुथरे बर्तन में खाना, कभी किसी का जूठा ना खाना, खाने से पहले हमेशा हाथ धोना, और बर्तन या फिर खाना, खाने को कभी भी खुला मत छोड़िए, बर्तन को खाना लेने से पहले जरूर धोएं, क्योंकि एक देखो ऐसा नहीं कि बर्तन धोने के बाद आप थाली वाली रख दिए और जब भूख लगा थाली उठाए उसमें खाना ले लिए, नहीं, खाना लेने से पहले एक बार उसको पानी से या फिर किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से जरूर साफ करें। हो सकता है चूहा उस पर उस बर्तन को छू दिया हो, छिपकली छू दी हो, ठीक है, बिल्ली का हाथ लग गया हो, ये सारे रोग उत्पन्न करते हैं, कहाँ कहाँ वायरस है, कहाँ कहाँ बैक्टीरियाज है हमको नहीं पता, इसीलिए खाना खाने से पहले अगर धुला हुआ थाली ये फिर भी उसको एक बार और थाली को धो दे पोंछ दे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहा हो, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिला हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना वही सवाल, केकर केकर जूठा खाई लिया हुआ, ठीक है, प्यार बढ़ाने के लिए किसका किसका जूठा खाए हैं ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो जूठा खाते हैं प्यार बढ़ाने के लिए, उनको भी पता चल जाए कि प्यार बढ़ रहा है कि बीमारी बढ़ रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।